की तरबियत हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी रेड बस सर्विस चल रही है कैंट से, और ये जाती है बस सर्विस तो सीव्यू तक जाती है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है मॉडल या काजमाबाद कह लें, चेक पोस्ट टू के बिल्कुल एडजस्टेंट है। तो मुझे बार बार उसे पिक और ड्रॉप करने के लिए जाना पड़ा था बिकॉज ऑफ ई कैट में उसने एडमिशन लिया है, और जो कोचिंग है वो है IBA ग्रेड्स, बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, और सब एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज ओवर देयर, टेस्ट भी सारे कंप्यूटर्स पे ही, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं उनके। सो अपने आप को कम हेक्टिक करने के लिए मैंने सोचा कि चले भी इस बस सर्विस का भी कुछ फ़ायदा उठाते हैं, बच्चे की थोड़ी सी ग्रूमिंग भी करते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। सो दीज आर द बसेस, रेड बस सर्विस, अभी इसके ऊपर ये एड बनी हुई है, इसे ग्रीन है, और ये जाती है सीव्यू तक, और इस पे मैंने बिठाया प्रयाल बहनों को अपनी निगरानी में, कंडक्टर को भी पूछा, क्योंकि कैंट में और ख़ासतौर पर अगर फैल्कन वगैरह से इस एरिया से बिठाया जाए बच्चों को, या ख़ुद बैठे तो बड़े आराम से प्रोटोकॉल से बिठाते हैं, और पता होता है कि ये बच्ची जो है कैंट से आई है, तो उसको जहाँ पे भी उतारना होगा ना सुकून से उतारेंगे, वैसे बस सर्विस भी ऐसी है कि ये सुकून से काम करते हैं। सो आज फर्स्ट डे है, दैट्स वाई आई हैव टू चेज हर कि अपने पॉइंट पे ही उतरेगी, कैसे उतरेगी और कैसे वो क्रॉस करके, रोड क्रॉस करके अपने कोचिंग सेंटर जाएगी। सो मुझे भी जो है ना अभी डाउट है उस पर, सो दैट्स वाई लेट्स चेज हर। लें जी बस गुजर गई, अब मैं ड्राइव शुरू करूं। हार्डली अगर गाड़ी में देखा जाए तो 20 मिनट्स की ड्राइव है, और अगर मैं इसको इस तरह से बस में भेजूंगी तो ऑफकोर्स 35 मिनट्स अर्ली तैयार करना होगा। चलें जी अब देखते हैं कहां तक, 2 मिनट का सफ़र रह गया जी। ये कोचिंग सेंटर है और बस आने वाली है मेरे पीछे। Let's see, मेरी ट्रेनिंग कामयाब जाती है कि नहीं। This is the coaching center, IB grades. वो देखें, बस ने वो आगे ड्रॉप किया है। स्टाइल लवर्स टू, और आज की भी टेंशन रोज़ की तरह यही है कि आज क्या बनाया जाए। सुबह तो मैंने आपको रूटीन दिखाई अपनी मॉर्निंग रूटीन के, जिसमें आज मैंने फ्रियाल को ट्रेनिंग दी है कि हाउ टू राइड इन अ बस और कैसे सफ़र किया जाए बस में, और अभी जो है मेरी अपनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है मुझे बताया जाए कि आज क्या पके। सो मैंने सोचा कि मैंने जो स्पाइसेस बनाए थे तो उसमें मैंने तिक्का मसाला भी बनाया था, आज मैं तिक्का बनाती हूँ लेकिन बग़ैर ग्रिल के, बग़ैर कोयलों की वो जो अंगीठी के, और बहुत जल्दी बनेगा, बहुत इंस्टेंट बनेगा, उन्हीं स्पाइसेस से बनेगा जो कि मैंने बनाए थे। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने होम स्पाइसेस बनाए हैं तिक्का बिरयानी और कौरमे के, तो जाएँ और पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि इस तिक्का की रेसिपी में वो स्पाइसेस यूज़ होंगे जो कि मैंने बनाए थे, और बहुत जल्द बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत ही रिलैक्स माहौल में बनेंगे, कोई बड़ी हेक्टिक माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं कि भाई तिक्का पार्टी हो रही है और तुम कोयले ले आना, तुम गोश्त ले आना, तुम ये ले आना, तुम पराठे ले आना, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिलैक्स वे में बनेंगे और सबको बहुत पसंद आएंगे। डू ट्राई दिस रेसिपी, लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये यहाँ पे ठीक हो गया, अब आपने जो भी स्पाइसेस हैं वो मैंने देखे इस बॉक्स में डाल के रखे हैं, और ये 3 किलो टिक्का के लिए ये कंप्लीट पैकेज है। दिस वन
विच आई हैव टोल्ड यू। अच्छा, अब मैंने इसके तकरीबन एक किलो यहाँ पे बीफ है मेरे पास, बिल्कुल बेहतरीन किस्म का बीफ, और कहीं इसमें कहीं कहीं आपको चर्बी भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, ताकि उसका मॉइस्चर जो है तिक्के का वो मिले और ड्राई ड्राई मुँह में ना आए। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं तो 2 स्पून डाल रही हूँ भर के टिक्का मसाला, और इसमें ऑलरेडी जो है फूड कलर मैंने ऑरेंज ऐड किया था, तो उसको मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ एडेड इन दिस मसाला। यहाँ पे है 2 बड़े चम्मच गार्लिक पेस्ट, और यहाँ से जो मैंने अभी आपको दिखाया कि मुझे पपाया चाहिए था, कच्चा पपीता घर में घर से मैंने तोड़ा है, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो बातें इस फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं आप, उसको ज़रूरी नहीं कि पेस्ट बनाएं, ये भी गल जाएगा, पपीता खुद भी गल जाएगा। ठीक हो गया। अब ये लेमन जूस है, 2 बड़े लेमन हैं, ये उनका जूस मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, ये भी डाल दिया मैंने, और ये यहाँ पे दही है, 1 पूरी प्याली दही है मेरे पास मौजूद, ये भी ऐड कर दिया। स्पाइसेस के ऊपर जैसे जैसे दूसरे गीले स्पाइसेस यानी ये दही और गार्लिक डल रहा है, उसकी खुशबू जो है निकल के आ रही है। आज बड़ी बेहतरीन हवा चल रही है। लें जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इंस्टेंट है, आपको घर में जो है वो जो होती है ग्रिल बारबेक्यू की, वो लाने की ज़रूरत नहीं है, सीखों में लगाने की ज़रूरत नहीं है, धुआं खाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बेहतरीन फ्राई पैन पे मैं बनाऊंगी और बहुत टेस्टी बनेंगे, सेम फ्लेवर होगा। और इसके बाद हम इसमें कोयले की धुनी दे देंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि ग्रिल पे बनाया गया है या फिर फ्राई पैन में। मिनिमम टाइम इसके मैरिनेशन का है 2 आवर्स, 2 घंटे। ठीक है, चलें जी, 2 घंटे के बाद इसको हम कुकिंग शुरू करेंगे। सी यू आफ्टर 2 आवर्स। जी, 3 घंटे हो चुके हैं, 2 भी नहीं बल्कि मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, और ये इसकी सिचुएशन है, पानी भी इसने एक्सट्रैक्ट किया है गोश्त ने और दही ने भी। अब हम इसको गलाने के लिए पैन में डालती हूँ मैं बहुत कम क्वांटिटी में ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो फ्लेम है वो मीडियम है, और उसके बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम में ही पकने के लिए रखना है कि अपने ही पानी में गल जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने कच्चा पपीता डाला है, ये तमाम जो मसाले हैं बाउल में ये भी मैं साफ करके डाल दूंगी अच्छे से, नथिंग शुड गो वेस्ट। अभी दही का पानी और ये गोश्त का अपने पानी में ही पकेगा, और मैक्सिमम इसको लगेंगे 15 से 20 मिनट। 15 मिनट बाद इसको दोबारा खोल के देखेंगे। चलें जी, लेट इट कुक। ये देखें, ये जब सिचुएशन हो तो आपने ये स्पाइसेस जो हैं सब इसके अंदर मिक्स करने की कोशिश करनी है, ताकि कुछ स्पाइसेस अलग ना रहे। स्पाइसेस में ज़ाहिर बात है हमारे पास सिर्फ गार्लिक मैंने डाला था और पपाया डाला था, तो आपने जो साइड पे हैं उनको दरमियान में करना है, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है, ये सब मुकम्मल रेडी है, और बस मैं इसको दम में रख देती हूँ, इतनी देर में कोयला जो है वो अच्छे से रेड हो जाएगा, तो उसकी फिर मैं नहीं जी, अभी थोड़ी ही देर में ये रेडी हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ पे कोयला जलने के लिए रख दिए, जो कि इसकी धुनी दी जाएगी। सही हो गया। चलो मैं आपको अब टिक्का दिखाती हूँ कि टिक्के की क्या सिचुएशन है। ओहो, क्या बात जी, ऑलमोस्ट रेडी। लास्ट प्रोसीजर, मिडल में मैंने यहाँ पे अनियन का पीस रखा, और अब जो है ये मैं कोयला इधर लाइट भी जा चुकी है, अल्लाह का शुक्र है,
ये इसके ऊपर मैंने कोयला रख दिया गरम गरम, और ये ऐसे नहीं हम धुने देंगे बल्कि इसके ऊपर मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालूंगी। और ये मैंने ढक दिया। अब ये जो इसकी स्टीम इसको मिलेगी बेहतरीन किस्म का, आपको टिक्के का फ्लेवर मिलेगा। बर्नर नीचे बिल्कुल बंद है। नाउ वी आर रेडी फॉर द स्टीम। एंजॉय करें इस बेहतरीन रेसिपी को सैलड्स के साथ, नान के साथ, और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ भर दे। टिल नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।